दोस्तों 90 के दशक की बात की जाए तो 90 के दशक में एक से बढ़कर एक हीरोइन ने काम किया और आज भी उन अभिनेत्रियों को सदाबहार एक्ट्रेस कहा जाता है। आज भी उन एक्ट्रेस के लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। ऐसी ही एक अभिनेत्री रवीना टंडन भी है जिनको दर्शक आज भी फिल्मों में देखना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम आपको रवीना टंडन के बारे में नहीं बल्कि उनके हैंडसम बेटे के बारे में बताने वाले हैं जो कि आज काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं और दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम भी लगते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं रवीना टंडन के बेटे के बारे में। अगर आप भी ये सब बातें जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही रवीना टंडन के शानदार अभिनय के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों रवीना टंडन एक सफल अभिनेत्री होने के साथ साथ एक मॉडल और प्रोड्यूसर भी है, तो वहीं इनको आपने बॉलीवुड फिल्म दिलवाले और मोहरा जैसी सुपरहिट फिल्मों में देखा होगा जिसमें इनके अभिनय को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। हम आपको बता दें कि रवीना टंडन 90 के दशक में अपने फिल्मों से ज्यादा अपने लव अफेयर को लेकर चर्चा में रहती थी, लेकिन उनका ये प्यार कभी भी सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद रवीना टंडन ने साल 2004 में अनिल थदानी से शादी कर ली और शादी के बाद इनके दो बच्चे हैं। लेकिन दोस्तों शायद आप लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि शादी से पहले रवीना टंडन ने दो बेटियों को गोद लिया था और उनकी शादी करने के बाद ही रवीना टंडन ने अपनी शादी की और 12 जुलाई 2007 को रवीना टंडन ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रणवीर थदानी रखा गया। अब रणवीर 12 साल के हो चुके हैं और दिखने में काफी ज्यादा क्यूट नजर आते हैं। उनको देखकर साफ पता चलता है कि बड़े होकर ये काफी ज्यादा स्मार्ट और डैशिंग लगेंगे और आगे चलकर एक सफल अभिनेता बनेंगे, पर फिलहाल वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू करने के लिए काफी छोटे हैं और अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं जिसकी वजह से उनको मीडिया से भी दूर रखा जाता है। बहुत कम ऐसा मौका होता है जब उनको मीडिया के सामने लाया जाता है, ऐसे में हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहता है। तो वहीं बात की जाए अगर रवीना टंडन की, तो रवीना टंडन कई साल के बाद पर्दे पर नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि रवीना टंडन इन दिनों स्टार प्लस के रियलिटी शो नच बलिए 9 को जज कर रही है और उनके फैंस उनको पर्दे पर देखकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को रवीना टंडन का क्यूट सा बेटा कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़े और खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।